सैमसंग गैलेक्सी A10s। हाँ गाइज, अभी आप लोगों को पता है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A30s, A50s, A70s। अब मैं आपको बता दूँ कि सैमसंग गैलेक्सी A10s भी एक फ़ोन आने वाला है और बहुत ही जल्दी आने वाला है, और इस फोन में हम इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं। इस फोन की कुछ स्पेसिफिकेशन लिख डाउट क्या गई है तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज का वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। सैमसंग जो अपना ये सैमसंग गैलेक्सी A10s, हाँ A10 का अपग्रेड वर्जन होने वाला है ये A10s, और बहुत ही बढ़िया होगा इसमें। मतलब आपको ज़्यादा फीचर्स अच्छे उससे मिलेंगे जैसे आपको A10 में मिले थे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं उस फोन के डिज़ाइन के मामले में, डिज़ाइन वैसे ही मिलेगा A10 जैसे ही, पॉलीकार्बोनेट का डिज़ाइन होगा, डुअल रियर कैमराज होगा और अच्छा आपको देखने मिल जाएगा। तो डिस्प्ले में आता हूँ कि डिस्प्ले यहाँ पे किस हमें मिल जाएगा 6.2 इंच या 6.3 इंच का एक HD+ का डिस्प्ले मिल जाएगा। वाटर ड्रॉप नॉच हो जाएगी, तो आई थिंक डिस्प्ले वाइज ये फ़ोन ठीक हो जाएगा। ये जो आ रहा है ये Realme 3i को जो है वो कम्पीट करने आ रहा है, मैं आपको बता दूँ तो Realme 3i तो बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। आई डोंट थिंक कि सैमसंग के बजट सेगमेंट वाले फ़ोन रियलमी वाले बजट सेगमेंट को बीट कर पाएंगे, बट जब भी सैमसंग तो ट्राई कर ही रहा है। तो डिस्प्ले हमें अच्छा ही मिल जाएगा 6.2 या 3 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले, सॉरी HD+ डिस्प्ले एंड वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। प्रोसेसर में आ जाता हूँ गाइस, यहाँ पे प्रोसेसर जो है अभी रिसेंटली जो निकल के आया है बोला जा रहा है इसमें MediaTek का P22 का प्रोसेसर देखने मिल सकता है, जो एकदम ऐसे ही प्रोसेसर है। मुझे लगा था कि इसमें हमें कोई अच्छा प्रोसेसर मिल सकता था, बट आई डोंट थिंक, मतलब क्या कर रहा है सैमसंग ये नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले Exynos में निकल के आया था इसमें 7884 वाला प्रोसेसर मिलेगा Exynos का, बट वो भी अभी यहाँ पे नहीं है। तो पता नहीं क्या होने वाला है, जो भी होगा हम आपको ज़रूर से बता देंगे क्योंकि इसके प्रोसेसर के बारे में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे गई जो है वो लीक्स चल रही हैं, तो जो भी होगा हम आपको ज़रूर से बता देंगे। चलिए आ जाते हैं कुछ कैमराज के बारे में, क्या कैमराज इस फोन में हमें देखने मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ गई इसमें 13 मेगापिक्सल का इसमें आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा, देन 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक कैमरा वाइज बढ़िया ही है और अच्छा कैमरा आपको देखने मिल जाएगा। सेल्फी में आता हूँ, इस सेल्फी यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें 5 या 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिल जा सकती है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो डेफिनेटली सेल्फी वाइज भी फोन ठीक ठाक ही रहने वाला है, तो जरूर कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है। तो कैमरा वाइज अच्छा ही फोन होगा और थोड़ा इंप्रूवमेंट्स, वैसे Realme 3i में तो 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, तो बढ़िया फोन है वो भी यार। तो यहाँ पे आपको इतना ही देखने मिल जाएगा कैमरा में। और गाइस बात करता हूँ गाइस इसकी बैटरी के बारे में, गाइस बैटरी इसमें हमें अच्छी मिल जाएगी, 4000 mAh अच्छी बैटरी मिलेगी और माइक्रो यूएसबी आपको देखने मिल जाएगा और फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी यार, इतने से प्राइस में कहाँ फास्ट चार्जिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे। 4000 mAh की अच्छी बैटरी मिल जाएगी तो अच्छा काम आपका कर देगी, तो बैटरी वाइज फोन अच्छा ही होगा। UI की बात करता हूँ, एंड्रॉइड एंड आउट बॉक्स आएगा एंड 1 UI के साथ ही रन करेगा जो सैमसंग का बेस्ट UI है। एंड गाइस ये है पूरा सैमसंग गैलेक्सी A10s। और मैं बता दूँ लास्ट ऑफ ऑल इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूँ, तो गाइस लॉन्च डेट जो है इस फोन की ये आपको सबके साथ ही मतलब अगस्त में, या तो अगस्त ही में मिलेगा या तो सितंबर में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा अभी इस फोन के लिए थोड़ा, जो सैमसंग लवर्स हैं, बिकॉज सैमसंग ये जो फ़ोन लाएगा ना ये 8000 10000 के अंडर ही फ़ोन आने वाला है, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। एंड A10 भी ठीक ठाक है, मतलब पता नहीं मुझे चला या नहीं चला, बट हाँ ये फ़ोन अच्छे स्पेसिफिकेशन अच्छे प्राइस के साथ आता है तो ज़रूर चलेगा। एंड जो कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में। एंड बस गाइस आज का वीडियो बस यहीं पे खत्म होता है, वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को लो सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया है क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टेक से रिलेटेड रोज़ वीडियो लाता रहता हूँ, हमेशा आपको टेक से रिलेटेड अपडेटेड रखता रहता हूँ। एंड बताना कमेंट करके सैमसंग गैलेक्सी A10 के बारे में क्या लगता है, A10s के बारे में क्या लगता है। मेरे हिसाब से A10s एक अच्छा फ़ोन होने वाला है, बढ़िया स्पेसिफिकेशन जो जो लीक्स अभी निकल के आई हैं। Realme 3i को बीट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चिपसेट्स की ज़रूरत है। और हाँ लास्ट ऑफ ऑल बता दूँ उसमें हमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, जो अपना साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देता है ना सैमसंग, वो आपको इसमें देखने मिलेगा। तो इन डिस्प्ले तो नहीं मिल सकता इस प्राइस में, मगर साइड में आई थिंक ये बहुत ही चीपेस्ट होगा, आई थिंक साइड में इन डिस्प्ले इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो दे रहे हैं सेंसर, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छा लगता है, साइड में मिलेगा, लेट्स सी कैसे उसका परफॉर्मेंस होता है, बिकॉज इस प्राइस में फिंगरप्रिंट देना बहुत ही बढ़िया बात है, वो सैमसंग दे रहा है, बताना जो कमेंट के। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।